लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। वेलकम टू एपिसोड नंबर 8 ऑफ दिस अपना गेम प्ले सीरीज, ठीक है। और हम लोग चलते हैं अपना। तो लास्ट बार हम लोगों ने कई सारे चीज़ें किए थे, जैसे कि कैटल पाला किए थे, एग्रीकल्चर किए थे, और हम आप दिखिए कैमरा पोजीशन में भी कुछ चेंजेस आए हैं, और हमने भी एक नया सिल्डर्स इंस्टॉल किया है, ठीक है। इसका नाम है वाइब्रेंट सिल्डर, सिल्डर्स वाइब्रेंट सेडर। हालांकि इसको करने के बाद से पता है फ्रेम ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि देखते हैं अगर ये काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो सेडर्स को हटा दिया जाएगा, उसमें क्या हटाने में क्या ही है, ठीक है। और मेरी रिकॉर्डिंग कैसे चल रही है, रिकॉर्डिंग इज ऑन मेरा, ठीक है। और हमने कैमरा भी थोड़ा बड़ा चेंजेस कर दिया, कैमरा मतलब बहुत छोटा चेहरा आ रहा था, अंधेरे में आ रहा था, सो आई हैव चेंज दैट राइट नाउ एंड आई थिंक इट्स काइंड ऑफ ओके। और हाँ भाई लोग, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। यार सब्सक्राइबर बहुत टाइम से रुका हुआ था, वो तो कहो जब रेगुलर वीडियो डाला शुरू किया ना तब से, मतलब कि समझो कि डेली वीडियो डाला शुरू किया तो थोड़ा बड़ा सब्सक्राइबर बढ़े, थोड़ा बड़ा क्या एक दो बढ़ रहा है, लेकिन एटलीस्ट बढ़ तो रहा है। सोचना मेरा एक महीना में एक सब्सक्राइबर था, डेढ़ महीना में मेरा एक सब्सक्राइबर रहा, और पिछला एक हफ्ता में ही मेरा मतलब कुछ सब्सक्राइबर बढ़े, तो आई थिंक आई शुड बी थैंकिंग यू एंड सो या लेट्स गो। एंड राइट नाउ हम लोग का ये पर्पज रहेगा कि आगे चल करके इसमें कई सारी चीज़ें बनाना है और सब चीज़ें करनी है, ठीक है। और हमने कुछ सारे इसमें हल्का फुल्का मॉड्स भी इंस्टॉल कर दिए थे, जैसे कि ये मतलब कि आवाज़ थोड़ा सा क्लियर आते रहेगा और सब चीज़ें अपनी आगे बेटर होते रहेंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ खाना वाना ले आते हैं, क्यों खाना वाना का पता मेरा खासे अभी तक भी गया नहीं है, तो खाना वाला क्या थोड़ा बड़ा झमेला होता है, खाना वाला का थोड़ा इतना दिक्कत होता है, लेकिन क्या किया जाए, जो है सो है। यार ये लोग घूम घूम कर रहे हैं, चलो एक्चुअली भी चलो चल ढूंढते, थोड़ा खाना वाना ढूंढ लेते, खाना वाना मिल जाए तो बेटर होगा, वहाँ पर खाना वाना है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे पता है, उसके बाद से चलेंगे कुछ और ढूंढने के लिए, ठीक। सो यार लेट्स गो। और हम बोलोगे तो अच्छा, यहाँ पे वो भी थी ना, एक लोमड़ी थी, वो मछली खा ली, मछली खाती का है, मछली को मार दिया था उसने। ये जो सेडर्स है ये देखने में थोड़ा सा ब्यूटीफुल लग रहा है, क्यों थोड़ा बड़ा सुंदर तो लग ही रहा है, क्यों ओके ठीक है। कितना हुआ है हम लोगों पास, अरे वाह 27 हो गए, 27 से अपना थोड़ा बड़ा खाना का तो जुगाड़ हो ही जाएगा, क्यों यार पता है खाना वाना का मेरे को उतना टेंशन वेंशन है नहीं, सही बता दो, आई एम नॉट स्केयर्ड, आई एम रियली नॉट दैट मच हंग्री फॉर फूड एंड ऑल दैट, क्योंकि खाना अगर जो नहीं भी मिलेगा ना तो भी काम चल जाएगा, ठीक। ये लोमड़ी बड़ी अच्छी लग रही है यार, ये लोमड़ी को पाला जाएगा, ठीक है ओके। हाँ तो चलो अभी अपना अभी सुबह के पता है कि तो सुबह के बज रहे हैं, सुबह के हम लोग के यहाँ पे बजाओ ना यार, घड़ी नहीं चालू हो रहा था मोबाइल का, 9:39 9:39 हो रहा है। अच्छा आप लोग में से कितना कोई हिंदी में काउंटिंग आती है, ठीक है, जैसे कि अगर जो हम कोई नंबर बोले, जैसे कि मान लो 73 बोले, ठीक है, तो 73 को इंग्लिश में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है 73। और बताइए कि मान लीजिए 79 को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या नंबर है बताइएगा, ठीक है। देखो अब ज़माना बढ़ते जा रहा है तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपना कल्चर भूल जाएंगे, हम लोग अपना जो भाषा है मातृभाषा उसी को भूल जाएंगे। सो भाषा, हम बहुत कल्चर वाले आदमी नहीं है, हमें संस्कार थोड़ा आँखों में खलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना मातृभाषा भूल जाएंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताओ, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। हमको इसलिए याद है ना क्योंकि हमने क्लास 9th में एक कंपटीशन होता था हम लोग का, राजभाषा पखवाड़ा का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो हमने उस एग्ज़ाम में ना अपने से सीनियर लोगों को हरा करके नंबर 1 पे आए थे, ठीक है, तो उससे मेरे को हमेशा याद रह गया, ठीक। हिंदी मेरी अच्छी है, ऐसे नहीं कि मेरी हिंदी ख़राब है, बट बात वही है कि हिंदी में हम उतना ज़्यादा आगे निकल नहीं पाए क्योंकि मेरा उतना रिक्वायरमेंट ही नहीं था, अधिकतर चीज़ें इंग्लिश में होती है, मतलब मैक्सिमम चीज़ें आपकी इंग्लिश में काम चल जाती हैं, लेकिन हिंदी है जो अपने आप को एक हम लोग एक भाषा में बांधे रहता है। हालांकि कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम है, बट हमें नहीं प्रॉब्लम है, मतलब जिसको मन है हिंदी सीखना है सीखो, नहीं सीखना नहीं सीखो, इट्स अप टू यू, बट आई वुड लाइक अ कॉमन लैंग्वेज टू यूनाइट द कंट्री, ऑलराइट। हम चाहे साउथ के हो, चाहे नॉर्थ के हो, चाहे ईस्ट के हो, चाहे वेस्ट के हो, अगर जो हमारा एक देश होगा, एक सोच होगा, तो मेरे ख्याल से देश थोड़ा ज़्यादा यूनाइटेड होगा, बट इट्स अप टू द कंट्री, इट्स अप टू द पीपल टू टेक द डिसीजन एंड ऑल दैट, ठीक है। यार पता है खाना बहुत धीरे धीरे बन रहा है, यही बात मेरे को टेंशन दे रही है, कुछ गिरा तो नहीं ना, कुछ गिरा नहीं, ठीक है।
और हाँ मेरे को अभी गला थोड़ा बैठा हुआ है, ठीक है। सो आई विल बी टॉकिंग लाइक समथिंग ऐसे बात कर रहे होंगे, बट इट्स डज नॉट मैटर, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें, मतलब कि मेरा वो क्या कहते हैं यार, वो धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक। अभी थोड़ा तबीयत ख़राब है, खांसी है, हम दवाई वही भी उतना नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मेरे को दवाई से नफरत है, सही बताए तो मेरे को मतलब दवाई वही लेना पसंद नहीं है, ठीक। आई डोंट लाइक टू ड्रिंक सीरप्स एंड पिल्स एंड ऑल दैट। इंजेक्शन लगा दो, लेकिन मेरे को दवाई वही इतना पसंद नहीं होता है। सो इट्स काइंड ऑफ ओके आई थिंक। ओके यहाँ पर ये फर्नेस वर्नेस लगा देते हैं, चलो यार कुछ तो खाने के लिए मिलेगा। एक मिनट को पता है, एक चीज़ करते हैं, ठीक है, सुनो जब कुछ नहीं रहता तो यही किया जाता है, ठीक। ओके तो इस एपिसोड में टारगेट, अभी पता है हमको क्या करना है, तो बता रहे हैं हमको, पता है बताते चल रहे, ठीक है। हमको क्या करना है कि कई सारी चीज़ें ले करके ना अंडरग्राउंड केविंग के लिए जाना है, ठीक है। लेकिन केविंग के लिए जाना इसलिए दिक्कत वाली बात है ना, क्योंकि यार केविंग के लिए जाना इसलिए झमेला वाली बात है ना, क्योंकि अगर जो हम लोग केविंग के लिए जाते हैं, ठीक है, केविंग के लिए जाते हैं, तो फिर केविंग के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा फूड का ज़रूरत पड़ेगा, और जब फूड का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो फिर फूड कहाँ है हम लोग पास, फूड वूड कुछ चाहिए नहीं है, खाना का किल्लत हो रहा है ना, हम लोग को एक्स्ट्रा खाना कहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर जब लोग दूर कहीं निकल जाए तो दूर कहीं से सामान वामान तो ले आ जाएंगे, लेकिन आस पास केव्स बनाना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा। क्यों, अभी आगे चल के पता है मेरा एक प्लानिंग ये होगा ना कि हम लोग इंडर ड्रैगन को हराने के बाद से पता है हम लोग इंड में अपना बेस बनाएंगे, ठीक। हम लोग इंड में अपना बेस बनाएंगे, इंड में बेस बनाने के कारण हम लोग को बहुत मजा आएगा, सोचना कि मतलब कि गजब लगेगा, बहुत मजा आएगा। एक इंड में बेस बनाएंगे और एक नेदर में बेस बनाएंगे, स्पेस में बनाएंगे, मतलब नॉर्मल जगह छोड़ छाड़ करके हर जगह हम लोग अपना बेस बनाएंगे, ठीक है। ये देखो स्वाहा हो गए, ये सती सिस्टम चल रहा है। सती सिस्टम जिसको नहीं पता उनको बता दे रहे हैं कि करीब आज के करीब 1829-1830 के अराउंड सती सिस्टम, सती प्रथा जो हुई है उस पर पाबंदी लगाया था माननीय हमारे राजा राम मोहन राय ने, और उन्होंने खुद एक विधवा से शादी करी थी, ठीक है। तो सती सिस्टम में क्या होता था कि किसी भी मतलब कि पत्नी का अगर पति मर जाता था तो उसको भी पति की चिता के ऊपर बैठा दिया जाता था, ठीक है। अरे बहुत अजीब सा यार था वो सब, काला समय था, औरतों पे बहुत अत्याचार होता था यार, दुनिया भर का, मतलब कि ये रूल्स था कि औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें वो नहीं कर सकती है, ठीक है, मतलब बहुत ही ऑपरेशन हुआ था औरतों के लिए, ठीक है। इसी कारण औरतें थोड़ी पिछड़ी रह गई, हालांकि अभी आज़ादी मिल गया है तो देखो अभी क्या होता है, हमको तो लग नहीं रहा कि वो लोग सही डायरेक्शन में जा रहा है इतना न्यू फाउंड आज़ादी को लेकर के, ठीक है। लेकिन इट्स अप टू देम व्हाट दे वांट टू डू, व्हाट दे नॉट, वी डोंट हैव एनी राइट्स, मेन डोंट हैव एनी राइट टू डिक्टेट अदर्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। इसलिए हम लोग अपने काम से काम रखना चाहिए, ठीक है। औरतें क्या करती हैं नहीं करती हैं, दैट्स देयर केस, वो उनका काम है, ठीक है। वी मेन शुड माइंड आवर ओन बिजनेसेस, ठीक है। तो देखो बार बार देखो कितना मस्त सीनरी लग रहा है, ठीक है, वाह यार। और ऐसे ही आज का दिन बर्बाद हो गया, सांझ होने का हो गया और कुछ घंटा नहीं, वो खड़े आज जब से स्पॉन हुए तब से कुछ किए क्या, जब से स्पॉन हुए तब से हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। रात को कुछ बनाते हैं, चलो ठीक है, कोई बनाते हैं कुछ, प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे हम लोग वो बना सकते हैं, क्या कहते हैं, टॉर्च बना दो यार, टॉर्च एक टॉर्च काफ़ी है, क्यों, अरे इतना अंधेरा अच्छा नहीं लगता मेरे को, वाओ देखो कितना सुंदर लग रहा है, वाओ इट्स ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल, वाओ। ओ देख रहे हो, हाँ। तो जैसे कि हम बता रहे हैं कि पता है ये अंग्रेजों के ज़माने में ये सती प्रथा बैन हुई थी, ठीक है। लोग पता है मतलब मेरे को समझ में नहीं आता ना कि ऐसा अजीब रूल, कोई तुम्हारे सामने जिंदा जल रही है, ठीक है, कोई ऐसा जिंदा जल रही है, ठीक है, और तुम इसको एक रिवाज कह दिए, पता है यही कारण, मान चुप सॉरी गाली गलौज नहीं करते लेकिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, हम जो बोले इसको म्यूट करना पड़ेगा, ऑडियो में से हटाना पड़ेगा। लेकिन यार मतलब क्यों आखिरकार किसी को जिंदा जला रहे हो सती प्रथा के नाम पर। यही चीज़ मेरा दिमाग खराब हो जाता था, किसी जिंदा आदमी को तुम जला दिए क्योंकि उसका पति मर गया, वो उसने मारा है क्या उसको, ठीक है, यही चीज़ मेरा दिमाग खराब कर देता था। तो सॉरी गुस्सा आ गए थे।
दिमाग खराब चला। अबे यार उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसको तुम जिंदा चला दोगे? यही कारण पता है दुनिया भर का रिवाज से पता है मेरे को, रिवाज, संस्कार, रीति, प्रथा, यही सब इसी कारण मेरा दिमाग झनक जाता था। और खाली एक नहीं, ये नहीं था, और भी बहुत सारे रिवाज थे, और भी कई सारे रिवाज थे, मतलब कि जैसे कि बाल विवाह, बच्चों को विवाह। अरे यार उसका उम्र अभी बड़ा नहीं हुआ, तुम 10-12 साल में उसका शादी ब्याह कर देते थे। दुनिया भर का यार ऑपरेशन होता था औरतों पे, क्या तुमको क्या ही बताया, ठीक है, औरतों पे होता था, बच्चों पे होता था, ये वो, मतलब बहुत झमेला होता था। यही कारण है कि मेरा पता है एक जो फालतू का जो रीति रिवाज झमेला है ना, जो नॉन साइंटिफिक रीति रिवाज है ना, वो सबसे मेरा दिमाग जनक किया है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ना ज़्यादा सब रीति रिवाज नहीं देखते, बड़ा सारा काम। अगर जो चीज़ सुनो, जो चीज़ से तुम्हारा हालत बेहतर ना हो, जो चीज़ से तुम्हारा बीमारी का इलाज ना हो गया हो, या फिर कोई तुम्हारा 2 पैसा का फायदा ना हो, वो सब चीज़ ज़िंदगी से निकाल फेंकना चाहिए, ठीक है। चाहे वो जितना भी बड़ा रीति रिवाज सिस्टम उस्टम हो, भाड़ में जाए वो। यही कारण है कि हम बहुत सारा रीति रिवाज से मेरा ध्यान उठ गया, ठीक। अभी फिलहाल के लिए औरतों को पता है काफ़ी समय पहले औरतों को वोट देने के लिए भी नहीं अलाउड था, ठीक। पता है, एक और बात बताते हैं, औरतों के वोट लेने से रिलेटेड बता रहे हैं, ठीक है। अमेरिका में जहाँ तक हमको याद है, कुछ लोगों ने ना एक औरतों का ना, मतलब कि मजाक उड़ाने के लिए ना, वोटिंग लिस्ट में उनका नाम डाल दिया, औरतों का मजाक उड़ाने के लिए वोटिंग लिस्ट में उनका नाम डाल दिया, ठीक है। उनको लगा कि अरे इनको कौन वोट देगा, देखना 0 वोट आएगा। और पता चला, पता क्या हुआ, जब वोटिंग का रिजल्ट आया तो सबसे ज़्यादा वोट औरतों को ही मिला था। तो औरतों को पता है अपने अधिकार के लिए कई कई बार लड़ना पड़ा है, ठीक है। कई कई बार ऐसा होता था कि औरतों को इक्वल पे नहीं मिलता था। इक्वल पे मतलब कि जैसे कि आप काम कर रहे हो, जैसे कि मान लो आप कहीं मजदूरी कर रहे हो, ठीक है, तो एक दिन में मान लो आपने 100 ईंटा ढोया, एक दिन में आपने 100 ईंटा ढोया तो आपको मिल गया मजदूरी का मान लो 400 रुपये मिल गया, ठीक। अरे रुको यार, सो जाते हैं हम, सुबह हो जाएगा तो बेटर हुआ, इतना अंधेरे में काम होता नहीं। हम थोड़ा मोड़ा रात का सीनरी आपको दिखाना चाह रहे थे, वो देखो कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। मेरा पेस कितना आ रहा है, पेस ठीक ठाक है, ठीक, ओके, चलो सो जाते यार, देखना मस्त सनराइज आएगा। तो हाँ, हम ये कह रहे थे कि औरतों को मतलब इक्वल काम के लिए इक्वल पैसे नहीं मिलते थे, ठीक है, तनख्वाह नहीं मिलता था, कम पैसे मिलते थे। इसलिए देखना अभी भी कई कई जगह पे पता है औरतों का जो स्टाफ रखा जाता है, क्योंकि औरतों और बच्चों का रखा जाता है, औरतों और बच्चों को कम सैलरी देनी पड़ती है सेम काम करवाने के लिए, ठीक है। तो हालाँकि अब ये थोड़ा बड़ा सिस्टम ये सब चीज़ें बदल रही है, मतलब कि अब नहीं ऐसा हो रहा, उतना हर जगह नहीं होता, लेकिन अभी भी देखना बच्चों को लोग काम पे रखते हैं, बच्चों को लोग दुकान पे रखते हैं, जिससे उनको कम सैलरी देना पड़े। हम देखते हैं हम क्या करें। अगर जो बेचारे काम नहीं करेंगे तो उनके यहाँ कौन खिलाएगा पिलाएगा, कैसे उनके घर में चलेगा? हो सकता है उनके पिताजी बेवड़े हों, ठीक है। कई लोग होते हैं मजबूर होते हैं, बहुत लोग मजबूर होते हैं, ठीक। यही कारण है कि हम कुछ भी बनाते जा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस बनाते जा रहे हैं, ठीक है। यही कारण है कि मतलब कि उन लोगों का थोड़ा घर चल पाता है। अगर जो आप बोलोगे अरे बाल मजदूरी कर रहे हो, बच्चों को काम करा रहे हो, हालांकि ये बात याद रखना कि संविधान के मुताबिक, ठीक है, जहां तक हमको पता है आर्टिकल 23 या 24 है, ठीक है, कि राइट कि बच्चों को फैक्ट्रीज और डेंजरस कंडीशन में काम करने की मनाही है, ठीक है। बच्चे एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जो एक्टिंग करने वाले बच्चे रहते हैं उनकी भी जो शेड्यूल होती है, टाइमिंग होती है, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट होती है। ये नहीं कि आप दिन भर उनसे काम कराते रहो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये हम लोग पास चैलेंजेस नहीं, हम लोग देश के पास बहुत चैलेंजेस हैं। अभी आज का ही हम न्यूज़ सुन रहे थे, सुनने में आया है कि चाइना हम लोगों से पिछड़ जाएगा आबादी के मामले में, ठीक है। हम लोग आबादी के मामले में चाइना को भी भरा देंगे, ठीक, और विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएंगे। सोचो ऐसे जगह जहाँ पर इतने सारे संस्कार हैं, ठीक है, इतने सारे लोग, क्या बोले, छोड़ो ये सब। लेकिन मेरा पता है एक दिमाग थोड़ा सा सनकता है सब चीज़ों को ले करके, ठीक। हम लोग आबादी बहुत बढ़ते जा रहा है, आबादी बढ़ते जा रही है, ठीक है, भुखमरी बढ़ते जा रही है एक तरीके से। देखो सरकार कोशिश कर रही है, सरकार की गलती नहीं है, सरकार को हमेशा आप दोष नहीं दे सकते हो, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन है तो सरकार ही भैया, वो भी उनकी भी अपनी लाइफ है, वो लोग तो पूरा जान तो लगा नहीं देंगे तुम्हारे ऊपर, बोल भले ले। हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, इंसानों को अपने मतलब देशवासियों को आगे आकर के अपना चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमारे दो करो तो बेटर हो गए, कि नहीं हम दो हमारे चार, उन चार के भी चार हो गए तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 16 लोग आ गए, बस खाली 3 पीढ़ी में ही 16 लोग आ गए। नहीं, ऐसे तो चल पड़ा देश, ठीक है। जब आबादी बढ़ी तो लोगों को खाना का जरूरत पड़ा, लोगों को चीज़ों का मतलब कि खाने पीने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी। रिसोर्स मतलब देखो रिसोर्स क्या कहते हैं, अब आपको बता रहे हैं। ओनो यार, इस वजह से हमको पता था, इसको यहाँ लगाए थे। अरे
तू जल क्यों नहीं रहा बेटे, इसका सती प्रथा कर देते अभी। रिवर्स सती प्रथा। अरे अरे दुबारा गिर जाएगा ये, देख रहे हो यार, ये जलते नहीं है ये लोग। ठीक है जलते नहीं यार ये लोग, ठीक है। हाँ तो मेरा ये कहने का मतलब कि धीरे धीरे जब हम आपको आगे चल के बताएंगे ना कि सती प्रथा जब हुई थी तो उसके बाद से लोग बहुत उसका विरोध किए थे। मतलब अबे साले तुम आदमी हो, ठीक है तुम आदमी हो, तुमको कौन दिया अधिकार है यार किसी के बारे में कानून बनाने का। अरे यार उनकी लाइफ है यार, कोई जिंदा चल रहा है साला तू। हमको यही सब चीज़ पता है, दिमाग ख़राब होता है। जब जब बदलाव की आंधी आई है, लोगों को तकलीफ हुई है, ठीक है, ऐसे पता क्या होता है, एजुकेशन औरतों को कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, पढ़ा लिखा रहा थोड़ी ना, सिलाई बुनाई कढ़ाई सिखा करके उनको घर में कहीं लगा दो, शादी ब्याह कर लेंगे, बच्चे कर ही लेंगे, बस हो गया, उनका ज़िंदगी बन गया। ऐसे आदमियों के साले तुम जानवर हो, जानवर भी चार बच्चे पैदा कर लेते, इसका मतलब वो थोड़ी ना कि वो इंसान के लेवल का आ गया है। शिक्षा पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं, एकमात्र शिक्षा ज्ञान यही एक चीज़ है जो इंसान को जानवरों से अलग कर दी है, ठीक है। तो यार ये लोग जल क्यों नहीं रहे हैं, व्हाट द हेल। हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ हम लोग बस खाली पंचायती कर रहे थे, कुछ कर नहीं रहे। पता है मेरे को खाना का वेट, खाने के लिए वेट कर रहे हैं, फिर यहाँ से निकल जाए, फिर अपना सामान वामान निकाल करके निकल जाए यहाँ से, चलते कहीं दूर चलते, ठीक। कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, 84 80 120 है, ठीक। तो फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो हाँ, और हम ये भी बता रहे थे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेटेड बातें ये कहनी है कि पॉपुलेशन यार अगर जो कंट्रोल नहीं हुआ हम लोगों का तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन तो हम लोग का धरती का साइज़ तो बढ़ा नहीं, ऐसा तो बढ़ा नहीं कि भैया कल को धरती चौड़ी हो गई या फिर अपना देश का एरिया बढ़ गया या फिर अचानक से मतलब ऊपर से रोटी और सब्जी की वर्षा होने लगी, ठीक है, पैसों की वर्षा होने लगी, ठीक है, ऐसी चीज़ें तो है नहीं। तो अगर जो आबादी कंट्रोल में नहीं होगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन थोड़ा बहुत कंपटीशन ठीक है, लेकिन कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपना मतलब कि रोटी पानी के लिए लड़ाई करने लगे, ठीक है। आज के ज़माने में देख रहे हो अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, और ऐसे अगर जो आबादी बढ़ते रहेगी ना तो देखना एज क्या बोलते हैं उसके इक्वालिटी मतलब कि क्या बोलते हैं उसके सैलरी डिस्पैरिटी, ठीक है, अर्निंग्स में जो डिस्पैरिटी होती है वो बढ़ती जाएगी, और जो डिस्पैरिटी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा, ठीक है। देखो सीधी बात इतना बता दे रहे लोग, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम अगर जो पेट तुम्हारा खाली है तो तुम ईमानदार बनो ही, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि ईमानदारी बिकाऊ होती है, लेकिन ईमानदारी का घंटी नहीं सुनाई देता है अगर जो तुम्हारा पेट का हल्ला भूख अगर जो सुनाई दे रहा हो, ठीक है। सो ये बातें लोगों को समझनी चाहिए, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक। तो अगर जो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा तो अपने देश के लिए सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, समझे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ रहे हो। अभी अभी एक चीज़ देखना कि सरकारी नौकरी कहाँ लोग भर भर के मिलता था, पहले के ज़माने के लोग सरकारी नौकरी, अरे यार मतलब लोग हमने सुना था कि लोग उठा के लेके जाते थे कि चलो सरकारी नौकरी कर लो, ठीक है, मतलब कि क्या करो घर में बैठ कर के, लोग जाते नहीं थे। आज के ज़माने में देख लो सरकारी नौकरी के लिए सला एक चपरासी के पोस्ट के लिए हमने सुना था कि हज़ारों एप्लीकेशन आए थे जिसमें कई PhD वाले लोग थे, ठीक है। तो इतना आसान मत समझना कि अगर जो एक मिनट को ये सब तो लोग बाद में भी ले सकते हैं, क्यों ये सब कभी इतना जरूरत है नहीं। बेन ऑफ आर्थरोपोड्स ये रख लेते वैसे, एक मिनट को, अरे यार ये तो नेदर पोर्टल कंप्लीट है, ओ ये, अरे यार वाह यस नेदर पोर्टल कंप्लीट है, तभी तो मैं सोचूं तभी तो हम सोच रहे यार ये कुछ भरा भरा तो नहीं लग रहा है, चला जाए क्या नेदर में, लेकिन मुझे जाने का फायदा ही नहीं, खा रहा पानी ये नहीं यार, एकदम खाली पेट हो रहा है मेरा, जब से मेरा करेक्टर आया तब से व्रत ही कर रहा, उपवास रखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है, नेदर हम लोग का आराम से हो गया, हम लोग थोड़ा सा बेस और इधर बनाना चाहिए, देखिए कोई बात नहीं, लोग उधर से इधर तो आ ही रहे हैं, ठीक। फिलहाल के लिए चलते कुछ खाना वाना लेके, नेदर में जाने कुछ नहीं, मेरा मन कर रहा है यार एक बार नेदर में जाने के लिए, चलो एक बार नेदर में होकर गया था, ठीक है, मतलब एक बार देख लेते कि क्या है। वैसे भी वी डोंट हैव एनीथिंग मच टू लूज, ठीक, कुछ है खाने के लिए, कुछ लूज करने के लिए नहीं, ठीक। आ जाओ चलते हैं, देखते क्या क्या है, नेदर फोर्टेस मिल जाए भैया, नेदर फोर्टेस
ये कहाँ आ गए हम लोग? कहाँ आ गए भैया, कहाँ आ गए? हाँ एक मिनट को, अब हम लोग ट्रिक लगाते हैं, वाहिया से ट्रिक जो है। ओके, ये सब एक ट्रिक होता है यार, स्पीड रनिंग का टेक्निक होता है। मेरे पास कितना है? ठीक है, चलो ठीक। स्कैनिंग। ओके, इस डायरेक्शन में हम लोगों का कुछ ना कुछ तो है, या तो नेदर फोर्टेस है या तो वो है, क्या कहते हैं, इस डायरेक्शन में है कुछ ना कुछ, या तो नेदर फोर्टेस है या तो बेस्टन है, मतलब कि टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स में कुछ ना कुछ है। चला जाएगा उधर, मेरे जाने का तो मन नहीं कर रहा यार, चलो बाद में चला जाएगा ठीक। वैसे भी खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं, खाने पीने के लिए चीज़ें रहते ना तो हम जरूर जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ यहाँ नेदर में सुअर मिल सकता है, सुअर को पका के खाओ क्या बोलते हैं उसको यार, क्या पिगली नाम है ना, हाँ, लेकिन हम नहीं करेंगे ठीक, मतलब नहीं है वहाँ पे रहने का, कोई मतलब नहीं है। खाना मिल जाए तो चला जाएगा ठीक, खाना नहीं मिलेगा तो जाने का कोई मतलब है नहीं। खाना कब मिलेगा भाई? हम लोग खाना ढूंढने निकले थे ना, 80, 120 का कोऑर्डिनेट ठीक। चलो बेटा चलते ठीक, खूब ज़्यादा खाना लेके आना। आज मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन है, तबीयत सलाह हमेशा मेरा डाउन रहता है, हालांकि बहुत दिन के बाद से थोड़ा फिजिकल वर्कआउट किए हैं, क्योंकि एक हफ्ता से थोड़ा सा मूड ख़राब था। ओके, अभी तो थोड़ा बेटर लग रहा है। ये सब क्या है यार? ये सब झरना है, ये सब लोहे की आग की झरना है। ओके, आई थिंक द सीनरी इज क्वाइट नाइस, सीनरी अच्छी है ना। लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं यार, बहुत ही अजीब सा जगह है ये। अंडरग्राउंड में लोग चीज़ें बनाएंगे ठीक है, अंडरग्राउंड चीज़ें बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे, सब सारी चीज़ें बनाएंगे, लेकिन अभी पता है मेन चीज़ क्या हो रहा है ना, कि हम लोग को खाना का दिक्कत हो रहा है ठीक। खाना का अगर जो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना तो चीज़ें मतलब और मज़ा है ठीक। ओके, देख रहे हो खाली पेट इधर उधर चल रहे, कुछ है ही नहीं खाने के लिए। और यहाँ पे वैसे यार सीनरी तो अच्छी है ना, देख रहे हो मस्त सीनरी है ऐसे। अपना रिलैक्स करो, चिल करो यार, और थोड़ी मोड़ी नॉलेज की बातें सीखो, और क्या, ये इसी का नाम है बस गेम प्ले। और कुछ इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मेरे पास है भी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को हम अपलोड करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए आप एक ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय करो, और हम तो कोशिश करेंगे कि रेगुलर ही रहें, अभी तक हम तो रेगुलर ही हैं, कोई भी दिन हुआ हो रहा है। यार ये बहुत बेकार है यार, बायो में कुछ है ही नहीं यहाँ पे यार, देख रहे हो कुछ खाने की। अरे सलाह, डर गया था, ये क्या है वैसे, पानी है, मैं डर गया था। ये कौन सा बायोम है? स्वाम बायोम लग रहा है क्यों? अच्छा ये केल्प है ना, केल्प को नहीं पका सकते, लिली पैड को नहीं पका सकते, लिली पैड को नहीं पका सकते, कुछ और। देख रहे कितना सन्नाटा इस दुनिया में, सिर्फ हम अकेले हैं, बाप रे बाप। वैसे भी सीढ़ी कितनी मस्त लग रही है, चलो चलते हैं। केल्प पता है इसमें जो अंडरग्राउंड रहता है ना, केल्प हम लोग पका करके ना उसको खा सकते हैं, लेकिन केल्प कहीं दिख नहीं रहा है मेरे को, तो हम फिलहाल के लिए चलते हैं वापस, चलते हैं ठीक। कॉर्नेट्स किधर थे? 80, 120 ठीक है, चलो चलते हैं वापस, लेट्स गो बैक। ओ ये क्या है वैसे, कोई मार रहा है हमको, देख रहे कोई मार रहा है, वाह कितना मस्त सीनरी है यार। हम सीनरी से इंस्टॉल इसलिए नहीं कर रहे थे, हम सोचे थे फ्यूचर में इंस्टॉल करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन उतना फ्रेम ड्रॉप हुआ नहीं है, तो फिलहाल के लिए सीनरीज को रखते ही है, क्यों सीनरीज से उतना प्रॉब्लम है नहीं। एक मिनट रुको, हम लोग किधर आए थे? अच्छा इधर थे ना, वो कितना मस्त रात, अंधेरी रात में हम तुम साथ में यहाँ इधर वर्ल्ड में तो कोई साथ में नहीं है, इधर अकेले है। ओके ड्राउंड यार, आपको पता है अभी थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, अभी थोड़ा सा मतलब वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, किल होने के इसके, इतना अब देखो मेरे पास, हम स्प्रिंट कर नहीं पाएंगे, पता है हम स्प्रिंट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास वो नहीं बचा है, क्या कहते हैं, भाग भाग भाग, देखो पता है यहाँ पे स्केलेटन था, मेरे को डर लग गया था। हम चलते ऊपर में, चलते सोने के लिए, वाओ देख रहे हो अभी से कितना अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है, धीरे धीरे चीज़ें और भी बेटर लगेंगे, देख रहे हो वो सुंदर लग रहा है। लेकिन ये आर पार लाइट कैसे दिख जा रहा है, ये कुछ दया इसका चेकिंग होना चाहिए ठीक। चलते ठीक है, चलते हम लोग सो लेते, रात वैसे भी कोई थोड़ी सी हल्की सी रिस्की है, तो उतना उसमें मतलब कि जगने की कोई मतलब है नहीं। ओके इधर आ जाओ, नहीं है पाएगा, चलो सो जाते हैं ठीक। हम तो खाली पेट ही रहे, अभी तो कुछ खाए ही नहीं है,
हम मॉक्स को नहीं मार रहे क्योंकि मॉक्स से फिर अपना आगे बढ़ेगा चीज़ें। देखो चलो यहाँ पे देखते कुछ खाने के लिए कुछ जुगाड़ हुआ है कि नहीं। पता पूरा एपिसोड में सबसे साला भुखमरी ही सबसे बड़ा झमेला है यहाँ पे, भूखे मरे जा रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है कि हम लोगों ने एक नेदर पोर्टल। देखो मेरे पास एक ये है, एक तुम ले लो और बापरे खाने के लिए कुछ है क्या? खाने के लिए बस खाली यही बचा, और कुछ ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, देख रहे हो ये देखो, और ये करते बेचते हैं और ये करते। ठीक चलो अपना खाना कुछ तो मिलेगा। अरे वाह यार, अब लग रहा है कि कुछ खाना का जुगाड़ हो सकता है। मेरे को पता है ऐसे ऑटोमेटिक फार्मिंग करनी है, मतलब कि ऐसी खेती करनी है कि ऑटोमेटिक खाना मैंने बन के रेडी हो जाए। ठीक, लेकिन उन सब के लिए मतलब अभी टाइम लगेगा। मेरा भी प्राइमरी टारगेट क्या है, मेरा प्राइमरी टारगेट वो केविंग के लिए जाना है यार। खूब ज़्यादा आयरन वायरन लाना है मेरे को, आयरन लाना है और रेड स्टोन लाना है, क्वार्ट्ज लाना है वगैरह वगैरह। दुनिया भर का मशीन का जितना भी मशीन बनानी है हम लोगों को, मशीन के सारे कंपोनेंट्स वम्पोनेंट सारे ले आने हैं। ठीक, तो वो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है मेरे पास। मेरे पास मशीन वसीन बनाने के लिए उतना मेरे पास जुगाड़ है नहीं है। देख रहे हो ना, हम लोग पास रेड स्टोन है ना वगैरह वगैरह कुछ भी है। बिजली कट गई थी, पावर कट हो गया था तो शायद थोड़ा बड़ा अंधेरा आ गया था, बट कोई बात नहीं, अभी सब चीज़ें ठीक हैं, अभी सब चीज़ें नॉर्मल है। तो हम कह रहे थे कि मशीन वसीन बनाना है आगे चल करके, लेकिन कोई कमेंट सेक्शन में सजेशन तो दो यार। कुछ सजेशन नहीं दोगे तो फिर कैसे मज़ा आएगा। कुछ चीज़ें क्या करनी है देखो। ओके यार, खाना का पैदावार तो हुई है थोड़ी बहुत। अच्छा बच्चों आ जाओ तुम लोग, जब तक तो भूखे नहीं मरने लगा तब तक तो खिलाएंगे नहीं। आ जाओ तुम, आ जाओ कोई भी, तू खा लो भाई, कुछ तो खा लो, मेरा बर्बाद हो जाएगा एक। अगर जो वीट नहीं देगा तो एक बार वीट बर्बाद हो जाएगा ना। एक्चुअली हाँ, इससे हम लोग अपना ब्रेड बना सकते हैं क्यों, अगर जो यहाँ पे जाएंगे और अगर जो ये गेहूँ का ऐसे 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 करेंगे तो ये बेल ब्रेड कैसे बनता है यार? 3 से ब्रेड बनता है। तो चलो थोड़ा वो तो खाना का हम लोग को जुगाड़ हो गया। ठीक, देखो खाओगे इसको? नहीं खाएंगे। नहीं खाएगा ये लोग। ओके चलो चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं यार, खाना का जुगाड़। मेरे मन कर रहा है कि यहाँ से निकल जाए, ऐसे यहाँ से इनसे घर छोड़ के भाग जाए। ठीक है, घर और घर छोड़ के भागने के बाद से सब चीज़ें कुछ बनाया जाए। ठीक है, आगे चल करके यहाँ पे हम लोग मशीन वसीन, हमको अंडरग्राउंड जाना है, उसके लिए खाना चाहिए यार, खाना मिल नहीं रहा है कहीं पर। बार बार अंधेरा हो जा रहा है यार। पता है मेरे को ये स्वेटर सब शुरुआत में तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन अभी मैं उसको उतना एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीज़ें बहुत काली हो जाती है यार, बहुत ही ज़्यादा अंधेरी वाली हो जाती है। इतनी ज़्यादा अंधेरा अच्छी बात नहीं होती है। एक BSL शेडर्स करके भी है, कि ये शेडर्स है, एक वाली शेडर्स भी करके है। चलो भाई चलते हैं, सुनो चलते हैं एक लंबे सफ़र के। ठीक, अब जो होगा देखा जाएगा। ठीक, अब एक लंबे सफ़र के लिए चलते हैं हम लोग, और हम लोग का क्या फ्लिंट एंड स्टील यहाँ पे है, एक शील्ड बना लिया जाता है नीचे, वो है ये लकड़ी है ये। चलो एक शील्ड बना लेते हैं हम लोग, उसके बाद से एक लंबे सफ़र के लिए चलते हैं। ठीक, देखते हैं कि आगे फ्यूचर क्या हम लोगों के लिए होल्ड करता है, खाने पीने के लिए चीज़ें हैं कि नहीं है। वेल माई फ्रेंड, खाना ले लेते, खाना वाना ले करके चलते हैं, ऐसे थोड़ी चला जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे करते, सुनो पहले सील्ड बना लेते हैं, उसके बाद से खाना वाना ले लेते हैं। अगले एपिसोड में लंबे सफ़र पे चला जाएगा, कुछ खूब ज़्यादा रिसोर्सेस लाया जाएगा। ठीक है, अभी देखो आगे बढ़ने के लिए कभी कभी घर छोड़ना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को भी अगर जो स्कूल से जब स्कूल तक तो घर पर रहे होंगे, कई लोग तो स्कूल भी कई जगह से करते हैं, तो स्कूल तक तो घर पे रहे होगे, लेकिन उसके बाद से आप घर छोड़ देते हो। ठीक है, और घर छोड़ना ज़रूरी हो जाता है यार, घर नहीं छोड़ोगे तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक, कई लोग कॉलेज आते हैं कहीं करने के लिए, फिर आगे पढ़ा कमाएंगे धमाएंगे कहीं निकल जाएंगे आगे कहीं, मतलब कि नौकरी की तलाश में या फिर एजुकेशन बेहतर शिक्षा की तलाश में लोग आगे निकल जाते हैं। तो या मतलब कि कभी कभी घर छोड़ना पड़ता है। लोग बोलते भी हैं कि श्री राम जी को भी 14 साल वनवास में रहना पड़ा था, तब वो भगवान बने थे। ठीक है,
तो वनवास करना पड़ता है, कभी कभी घर से बाहर निकलना पड़ता है बेहतर भविष्य के लिए। तो हमको भी यहाँ से निकलना होगा बेहतर भविष्य के लिए, हम यहाँ पे रह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे आसपास ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं ना, ठीक है। इसलिए लोग देख ले, लोग गाँव से शहरों में पलायन करते हैं, मतलब कि माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को जाना कहते हैं हम लोग माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं, ठीक, हम लोग फिलहाल के लिए चलते हैं। हम लोग चलो एक और आयरन ले लेते हैं। अब हम लोग अगला जर्नी, अगला एपिसोड में जो है, अगला एपिसोड में चलेंगे हम लोग कहीं किसी डायरेक्शन में चलेंगे, कहीं किसी दिशा में चलेंगे ताकि कुछ बेहतर भविष्य के लिए हम लोग आगे बढ़ सकें। तब तक के लिए मिलते हैं नए एपिसोड में, अगले वाले नए सोच के साथ, नया डायरेक्शन के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय।